नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाते हैं देश की ऐसी ओजस्वी और तेजस्वी शख्सियतों से जो हमारे लिए आज भी आदर्श का स्रोत है। कहां खोजते हो भला मुक्ति मित्र, यह विश्व दे सकता तुमको नहीं। ग्रंथ और मंदिर में खोज तुम्हारी व्यर्थ, हाथ तुम्हारे ही सदा है मुक्ति की डोर। छोड़ो रोना और फिर त्यागो सारे मोह, सन्यासी निर्भीक गाओ ओम तत्सत ओम। यह अनुवाद है स्वामी विवेकानंद की अंग्रेजी कविता द सॉन्ग ऑफ सन्यासी का। और भारत के यही महान दर्शन शास्त्री, धर्मगुरु, शिक्षाविद स्वामी विवेकानंद हैं हमारे आज के नायक। नायक नायक कौन नहीं जानता स्वामी विवेकानंद को। भारत ने उन्हें सन्यासी कहा तो अमेरिका में उनका नाम पड़ा साइक्लोनिक हिंदू का। टाटा समूह के पितामह ने उनसे शिक्षा के प्रचार प्रसार का ज्ञान लिया तो कर्म कांडियों के लिए स्वामी विवेकानंद बन के उभरे एक विद्रोही। भारत में समाज सुधार की, धर्म की, आध्यात्म की, दर्शन शास्त्र की, प्रगतिशील विचारों की जब भी बात होगी तो स्वामी विवेकानंद के बिना वो चर्चा हमेशा अधूरी रहेगी। तो बताऊंगा आपको आज की आखिर किस तरह से भारतीय आध्यात्म से पूरे विश्व को परिचित कराया स्वामी विवेकानंद ने, और उन्होंने ऐसा क्या किया कि भारत के लिए समूचे विश्व में एक नया सम्मान का दृष्टिकोण पैदा हुआ। क्यों स्वामी विवेकानंद की नजर में एक वेश्या थी सबसे शुद्ध आत्मा। किस तरह से स्वामी विवेकानंद ने विजय प्राप्त कर ली थी अपने दिल पे और अपने दिमाग पर। कैसे स्वामी विवेकानंद अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर से दिमाग पर विजय कर एकाग्रचित होकर कई काम एक साथ करने की क्षमता रख पाते थे, मल्टीटास्किंग कर पाते थे। साथ ही होंगे कई और दिलचस्प, रोचक और प्रेरणादायक पहलू स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से जुड़े हुए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम आज स्वामी विवेकानंद की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक और बात कर रहे हैं हम आज आधुनिक भारत के सबसे बड़े दार्शनिक, फिलोसोफर, धर्मगुरु, जिनका नाम ही अध्यात्म का पर्याय था दुनिया के लिए, स्वामी विवेकानंद की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा नरेंद्र अंग्रेजी पढ़े, जबकि बचपन से ही नरेंद्र का मन वेदों की तरफ ज्यादा था। जब नरेंद्र की उम्र 8 साल थी तब उनका दाखिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में करवाया गया। 1889 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया और परीक्षा को फर्स्ट डिविजन से पास करने वाले वो पहले विद्यार्थी बने। दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक ज्ञान, कला और साहित्य, सभी विषयों के वो बड़े उत्सुक पाठक थे। बहुत रुचि थी उनको इन सभी विषयों में। बचपन से ही हिंदू धर्म ग्रंथों में उनकी बहुत रुचि थी और साथ ही वो हमेशा योग, खेल और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। भारतीय अध्यात्म, भारतीय दर्शन और धर्म के साथ साथ नरेंद्र की दिलचस्पी वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी जीवन और यूरोपीय इतिहास में भी बहुत थी। उस जमाने के सभी जाने माने वेस्टर्न राइटर्स डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांत, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन इत्यादि का उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था। उस जमाने के जाने माने शिक्षाविद और फिलोसोफर विलियम हेस्टी ने एक जगह लिखा है कि नरेंद्र बहुत होशियार हैं और मैंने दुनिया भर के स्टूडेंट्स को देखा है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गया हूं, लेकिन जब फिलॉसफी का सवाल आता है, दर्शन शास्त्र का सवाल आता है, तो नरेंद्र के दिमाग के आगे मुझे कोई और स्टूडेंट नहीं दिखता।
आगे बताऊंगा आपको कि क्यों सांसारिक मोहमाया छोड़कर गेरुआ वस्त्र धारण कर सन्यासी बन गए स्वामी विवेकानंद, और कैसे भारतीय अध्यात्म के, इंडियन स्पिरिचुअलिटी के झंडे उन्होंने गाड़ दिए शिकागो की धर्म सभा में। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं हम स्वामी विवेकानंद की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक, बात कर रहे हैं हम आज स्वामी विवेकानंद की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो कैसे एक बहुत ही मेधावी छात्र बन गया एक सन्यासी, और फिर कैसे इस सन्यासी ने शिकागो में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभा में भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय आध्यात्म के गाड़ दिए झंडे। नरेंद्र या स्वामी विवेकानंद बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन उनका मन मेटीरियल चीजों में नहीं था, सांसारिक मोह माया के पीछे वो नहीं भागते थे। लेकिन जब तक उनके पिताजी जिंदा थे, स्वामी विवेकानंद का मन पूरी तरह से दीन दुनिया से अलग नहीं हुआ था, उनका मोह भंग नहीं हुआ था। वेदांत में, योग में, इन सब में तो उनकी दिलचस्पी पहले भी थी, लेकिन जब पिता की मृत्यु हुई तो स्वामी विवेकानंद का मन दीन दुनिया से जैसे उठ गया। उन्होंने अपना जीवन गुरुदेव रामकृष्ण को समर्पित कर दिया। 25 साल की उम्र में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और बन गए एक सन्यासी, निकल गए भारत की पैदल यात्रा पर। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे भारत के प्रतिनिधि के बतौर। ये वो दौर था जब यूरोप और अमेरिका के लोग भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। कुछ लोगों का मानना है कि उस धर्म परिषद में पहले ये भी तय नहीं था कि विवेकानंद साहब वहां पे कोई एड्रेस देंगे, उनका कोई संबोधन या भाषण होगा भी। जब कई वेस्टर्न स्कॉलर्स बोल चुके, उनका संबोधन हो चुका, तो कुछ अमरीकी प्रोफेसर्स ने इस बात पर जोर दिया, अब कुछ मौका पूरब से आने वालों को भी दिया जाए। तब सबका ध्यान गया गेरुआ वस्त्र पहने एक खूबसूरत भारतीय नौजवान पर, जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद ने खड़े होकर बोलना शुरू किया, और जिस धारा प्रवाह अंग्रेजी में उन्होंने बहुत ही पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी, तो बस भाषण खत्म होने से पहले ही हॉल तालियों से गूंजने लगा था। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद के उस ऐतिहासिक भाषण के कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। We accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. ये वो भाषण था जिसके बाद दुनिया भर में स्वामी विवेकानंद की ख्याति फैल गई। 3 साल तक उसके बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका में रहे। अमेरिकी मीडिया ने उनका नाम रख दिया साइक्लोनिक हिंदू। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे बहुत ही अनूठा और निराला कॉन्सेंट्रेशन पावर था स्वामी विवेकानंद में, कैसे वो अपने दिमाग पर कर लेते थे कंट्रोल, कैसे हो जाते थे बिल्कुल एकाग्रचित, और उसकी वजह से मल्टीटास्किंग कर पाते थे। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात कर रहे हैं हम आज स्वामी विवेकानंद की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज स्वामी विवेकानंद की, आधुनिक भारत में आध्यात्म और दर्शन के शायद सबसे बड़े हस्ताक्षर। दुनिया ने जिनकी नजर से, जिनकी विद्वता से भारत को नई दृष्टि से देखा, सम्मान दिया। किस तरह का अनूठा और निराला कॉन्सेंट्रेशन पावर था स्वामी विवेकानंद में कि वो अपने मस्तिष्क पे, अपने दिमाग पर
कंट्रोल कर सकते थे और फिर कर सकते थे मल्टीटास्किंग। तो कैसे बहुत ही अनूठा और जबरदस्त कंसंट्रेशन पावर था स्वामी विवेकानंद का, बड़े मजेदार किस्से हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते उन्होंने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी का भी निशाना सही नहीं लग पा रहा था। बस स्वामी जी लड़कों के पास पहुंचे, एक लड़के के हाथ से बंदूक ली और लगाने लगे खुद निशाना। लड़के हंसने लगे कि ये गेरुआ वस्त्र पहने कोई सन्यासी सा व्यक्ति क्या निशानेबाजी करेगा। लेकिन जब पहली बार स्वामी जी ने ट्रिगर दबाया तो निशाना बैठा बिल्कुल अचूक। उसके बाद 12 बार निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। लड़के दंग, पूछा आपने ये कैसे किया, सारे निशाने आपके कैसे सही लगे। स्वामी विवेकानंद ने लड़कों से कहा कि मैंने जीवन में पहली बार बंदूक उठाई है, लेकिन बात है सिर्फ एकाग्रता की। अपने मस्तिष्क को सिर्फ लक्ष्य की तरफ रखो, बाकी सब भूल जाओ तो बस निशाना सही बैठ जाएगा। एक बार और भी कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ था। तब विवेकानंद काफी छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। मास्टर जी क्लास में आए, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उसी बीच बच्चों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मास्टर जी गुस्सा होकर बोले, कौन बात कर रहा है। क्लास के सभी बच्चों ने उस तरफ इशारा कर दिया जहां स्वामी विवेकानंद और उनके कुछ दोस्तों की टोली बैठी हुई थी। मास्टर जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने फौरन विवेकानंद और उनके दोस्तों को बुलाया और कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसके बारे में वो पढ़ा रहे थे। बाकी सब तो खामोश रहे, लेकिन विवेकानंद ने मास्टर जी के सभी सवालों का सही जवाब दे दिया। तो सभी बच्चों को सजा मिली कि अपनी अपनी डेस्क पर खड़े हो जाओ। सिर्फ विवेकानंद को कहा कि भाई तुम बैठे रहो अपनी जगह। लेकिन विवेकानंद खड़े होकर बोले कि नहीं सर, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, मैं भी डेस्क पर खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं भी बातचीत में शामिल था। इनफैक्ट मैं ही ज्यादा बोल रहा था, ये लोग तो बस मेरी बातें सुन रहे थे। अब टीचर ने पूछा, तो फिर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे दिया। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं इन बच्चों से भी बातें कर रहा था, लेकिन आपकी भी सारी बातें सुन रहा था। तो ऐसा कंट्रोल था अपने दिमाग पर बचपन से ही विवेकानंद जी का। आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से मां को परिभाषित किया था स्वामी विवेकानंद ने, और क्यों एक बार उन्होंने कहा कि एक वेश्या जिससे उनकी मुलाकात हुई थी वो उनके जीवन में आने वाली सबसे शुद्ध आत्माओं में से एक थी। बने रहिए हमारे साथ, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर नायक। बात कर रहे हैं हम आज स्वामी विवेकानंद की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं आधुनिक भारत में दर्शन, आध्यात्म और धर्म के पर्याय बन चुके स्वामी विवेकानंद की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो कैसे एक वेश्या ने सिखाया स्वामी विवेकानंद को उनके जीवन का एक बहुत ही अहम पाठ। बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक किस्सा है, बताता हूं आपको उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि किस तरह से मां की महिमा का वर्णन किया था स्वामी विवेकानंद ने। एक बार जब किसी ने विवेकानंद जी से पूछा कि मां की महिमा की इतनी बात दुनिया में क्यों होती है, तो विवेकानंद जी ने मुस्कुराकर कहा कि जाओ 5 सेर वजन का एक पत्थर लेकर आओ और उसे अपने पेट से बांध लो। जब अगले दिन वो इंसान स्वामी जी के पास पहुंचा तो बहुत ही थका हारा था, बड़ी निढाल सी उसकी हालत हो रही थी। उसने कहा, स्वामी जी अब मैं इस बोझ को अपने पेट से बांधकर और नहीं घूम सकता, मैं कुछ काम नहीं कर सकता इसको बांधकर। विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम पेट पर इस पत्थर का बोझ एक दिन भी नहीं उठा पाए ढंग से, और एक माँ है जो अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है, इसलिए ही संसार में माँ जैसा और कोई नहीं है, माँ से बढ़कर कोई और धैर्यवान और सहनशील नहीं हो सकता। अब जब माँ की बात चल रही है तो एक और किस्सा आपको बताते चलता हूँ कि जब शिकागो जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, तो आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे वो रामकृष्ण जी की पत्नी माँ शारदा के पास। माँ शारदा ने उन्हें पहले दिन कहा कि नहीं, कल आना आशीर्वाद लेने, पहले तुम्हारी परीक्षा लूँगी, पात्रता देखूँगी, फिर आशीर्वाद दूँगी। अगले दिन जब विवेकानंद जी पहुँचे
तो माँ शारदा ने उनकी तरफ देखा और कहा, अच्छा उधर जो चाकू पड़ा है पकड़ाना मुझे। विवेकानंद जी ने चाकू पकड़ाया, माँ शारदा ने चाकू अपने हाथ में लिया और फिर स्वामी विवेकानंद को ढेरों ढेर आशीर्वाद दिए। स्वामी विवेकानंद जी बड़े चकराए। जब उन्होंने ये प्रश्न माँ शारदा से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे चाकू देने के अंदाज से, तरीके से ही समझ गई कि तुम एक संत आत्मा हो। ज़्यादातर लोग जब चाकू देते हैं तो मुठ अपने हाथ में पकड़ते हैं और धारदार तरफ से दूसरे को चाकू पकड़ा देते हैं, लेकिन तुमने ऐसे नहीं किया। तुमने तीखे नुकीले धारदार चाकू का जो हिस्सा था उसको अपने हाथ में रखा और मुठ मेरे हाथ में दिया। तो देखिए साहब, कितनी पारखी आंखें थीं माँ शारदा की, और स्वामी विवेकानंद जी ने उनके जजमेंट को बिल्कुल सही भी साबित कर दिखाया अपने जीवन में। लेकिन साहब, ये तो माँ की बातें थीं। ऐसा एक वेश्या ने क्या कर दिया कि स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन दर्शन ही, सोच ही, विचारधारा ही बदल गई। बात तब की है जब स्वामी जी एक बार जयपुर हिजाइनस के यहाँ, जयपुर महाराज के यहाँ अतिथि बन के रुके हुए थे। उनके जाने के वक्त जयपुर महाराजा ने एक बड़े शानदार जलसे का आयोजन किया जिसमें कई मशहूर वेश्याएं भी बुलाई गईं। अब स्वामी जी ने जब सुना कि वेश्याएं जलसे में आई हैं, समारोह में आई हैं, तो उन्होंने अपने कमरे की कुंडल अंदर से बंद कर ली और निकलने से बाहर मना कर दिया। सब लोग तो चले गए, लेकिन एक वेश्या कमरे के बाहर उनके डटी रही और उसने वहां पे गाना शुरू कर दिया। गाने का अर्थ कुछ इस तरह से था कि स्वामी जी, आप इतनी पवित्र आत्मा हैं, इतनी बड़ी आत्मा हैं, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, अभागन हूँ, लेकिन आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? अब स्वामी जी ने जब ये गाना सुना तो जैसे उनकी आंखें खुल गईं। वो कमरे से बाहर निकले, वेश्या का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया और बाद में स्वामी जी ने लिखा, ज़रूर मेरे भीतर कोई लालसा रही होगी जिसकी वजह से मैं डर गया था, किंतु उस औरत ने मुझे पूरी तरह आज हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी इतनी शुद्ध आत्मा। आगे बताऊंगा आपको कि महिला उत्थान के लिए कितना काम किया स्वामी विवेकानंद ने, कितना सम्मान था उनके मन में महिलाओं के लिए। साथ ही सुनाऊंगा एक दिलचस्प किस्सा भी कि कैसे एक महिला ने जब उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया उस यूरोपीय महिला को, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्सा है। बने रहिए हमारे साथ हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम स्वामी विवेकानंद की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं आधुनिक भारत में दर्शन, आध्यात्म और धर्म के पर्याय बन चुके स्वामी विवेकानंद की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। एक बार जब एक विदेशी महिला ने उनके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा तो क्या काउंटर प्रपोजल दे दिया स्वामी विवेकानंद जी ने कि वो महिला तो उनके चरणों में गिर पड़ी। बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि कितना सम्मान था स्वामी विवेकानंद जी के हृदय में महिलाओं के लिए। वो सबसे कहते थे कि अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनकी बेहतरी चाहते हैं, उनकी हालत सुधारना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ करिए नहीं, बस उनको अलग छोड़ दीजिए। वो जो करना चाहें उनको वो करने का अवसर दीजिए, मौका दीजिए। वो पुरुषों से ज़्यादा सक्षम हैं, अपनी बेहतरी स्वयं कर सकती हैं। महिलाएं भी विवेकानंद जी के विचारों से और उनके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित रहती थी। एक बार की बात है, स्वामी जी विदेश में थे, तब एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के पास आई और आकर उनसे कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों, मुझसे क्यों, क्या आप जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ? तब उस महिला ने कहा कि मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मेरे आप जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र हो। वो तो आपसे शादी के बाद ही संभव हो पाएगा, इसलिए आप कृपया मुझसे विवाह कर लें। विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ एक उपाय जरूर है। उन्होंने कहा कि मैं आज से आपका पुत्र बन जाता हूँ, इस तरह से आप मेरी माँ बन जाएंगी और आप जो चाहती हैं कि आपका एक गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र हो मेरे समान, तो वो भी आपको मिल जाएगा। महिला ने स्वामी जी की बात सुनी और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गई और बोली कि आप साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं। तो ऐसा था चरित्र और व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी का।
आगे बताऊंगा आपको कि कैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने ये साबित कर दिया अपने तर्कों द्वारा कि कण कण में छुपे हैं भगवान, और उन्होंने ये तर्क दिए एक नास्तिक राजा को। बहुत ही दिलचस्प और अकाट्य तर्क था स्वामी विवेकानंद का, बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज भारत के महान दर्शन शास्त्री, आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु स्वामी विवेकानंद जी की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो किस तरह से एक बार एक नास्तिक राजा को कन्विंस किया स्वामी विवेकानंद जी ने कि कण कण में छुपे हैं भगवान। बात शुरू ऐसे हुई कि राजा ने स्वामी जी को अपने भवन में बुलवाया और कहा कि तुम हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हो, मिट्टी पीतल पत्थर की मूर्ति की, मैं तो ये सब नहीं मानता, ये सब तो एक पदार्थ है। विवेकानंद जी ने जवाब देने से पहले राजा की ओर देखा और फिर राजा के सिंहासन के पीछे जो तस्वीर लगी थी उसके बारे में पूछा कि ये किसकी है। राजा ने कहा मेरे पिताजी की है। विवेकानंद जी बोले आप तस्वीर उतारिए, हाथ में लीजिए। राजा ने उनकी बात मान ली। फिर विवेकानंद जी ने कहा अब आप इस तस्वीर पर थूकिए। अब राजा तो आग बबूला हो गए, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप स्वामी जी, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, मैं इस पर कैसे थूक सकता हूँ। स्वामी जी बोले क्यों, ये तस्वीर तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इस पर कुछ रंग लगा है, ना इसमें कोई जान है, ना आवाज है, ना आत्मा है, ना ये सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना इसमें हड्डी है, ना प्राण है, फिर भी आप इस पे थूक नहीं सकते क्योंकि इसमें आप अपने पिता का स्वरूप देख रहे हैं। अब जहां तक हिंदू धर्म की बात है महाराज साहब, वैसे ही हिंदू भी पत्थर मिट्टी या धातु की पूजा भगवान का स्वरूप मानकर इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी नजर में तो भगवान कण कण में है। तो मन को एकाग्र करने के लिए हम मूर्ति पूजन करते हैं। राजा स्वामी जी के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी उन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के अंतिम दिनों तक ध्यान करने की अपनी दिनचर्या को नहीं बदला। वो रोजाना सुबह 2-3 घंटे कम से कम मेडिटेट करते थे, ध्यान करते थे। दमा और शुगर के साथ उन्हें कई शारीरिक बीमारियों ने घेर लिया था। उन्होंने एक जगह लिखा भी कि ये बीमारियां मुझे 40 वर्ष की आयु को पार नहीं करने देंगी, और उनकी ये वाणी सच हुई। सत्येंद्र मजूमदार ने अपनी किताब विवेक चरित्र में लिखा है कि 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में थे। सुबह स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और अपने हाथों से सभी शिष्यों के पांव धोए। शिष्यों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी। विवेकानंद जी का उत्तर था कि जीसस क्राइस्ट ने भी अपने हाथों से शिष्यों के पांव धोए थे। फिर सभी ने साथ बैठकर खाना खाया, उसके बाद विवेकानंद जी ने कुछ आराम किया। दोपहर 1:30 बजे सभी सभागार में इकट्ठे हुए और 1.5-2 घंटे तक काफी हंसी मजाक चला, खूब ठहाके लगे। शाम को विवेकानंद जी आश्रम में घूमकर अपने कमरे वापस लौट आए, खिड़कियां बंद की और ध्यान में बैठ गए। बाद में उन्होंने खिड़कियां खोली, बिस्तर पर लेट गए और ओम का उच्चारण करते हुए उन्होंने प्राण त्यागे। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्यागे थे। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया हुआ है और पूरी दुनिया से विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की है। संत विवेकानंद, अमर तुम, अमर तुम्हारी पवन वाणी, तुम्हें सदा ही शीश नवाते भारत के प्राणी प्राणी। तो ये थे हमारे आज के नायक, आधुनिक भारत के नायक स्वामी विवेकानंद। तो इसी के साथ मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, कल रात 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एवरीवन।